हेलो फ्रेंड्स, तो देखते हैं हैशिंग क्या होता है। देखो, हैशिंग एक बहुत इम्पोर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है जो कि मोस्टली आपके इंटरव्यूज़ में, आपके जितने भी रेप्यूटेड इंटरव्यूज़ होते हैं, जैसे अमेज़ॉन का हो गया, फेसबुक का हो गया, गूगल का हो गया, तो इन सब जगहों पे ना ये हैशिंग का जो क्वेश्चन होता है ना, ये एक आता ही आता है। गेट के भी ले लो आप क्वेश्चंस। तो ये हैशिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर फॉर, बाय द वे, ऑल राइट, एंड यू शुड नो इट वेरी वेल, ऑल राइट। तो डोंट वरी, कोई हेवाया सिचुएशन नहीं है ये। हम इसको अच्छे से समझेंगे, एक एक चीज़ को लेंगे, हर एक स्टेप को स्टेप वाइज चलेंगे, एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल, ऑल राइट। तो आते हैं अपने टॉपिक में। तो सबसे पहले हम देखते हैं हैशिंग होता क्या है यार। हैशिंग इज़ अ टेक्निक दैट इज़ यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट। ये समझ आया यार, हैशिंग का मतलब क्या होता है। पहले ना, सबसे पहले तो आया था हमारा एरे, ठीक है। एरे का डिसएडवांटेज क्या था यार, कि ना उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी थी ना, वो थी हमारी ऑर्डरो एन। सर्चिंग की जो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी थी ना, सर्चिंग की, कि हमें पहले पूरी एक एक एलिमेंट को इंडेक्स के थ्रू सर्च करना होता था, है ना। तो इट विल इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग, ऑल राइट। उसके बाद आई थी हमारी क्या कहते हैं उसे, बाइनरी सर्च ट्री। उसकी थी हमारी लॉग ऑफ एन, लॉग ऑफ एन, बाइनरी, BST की बात करूँ, बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री जो हमारा आया था, उसकी लॉग एन। उसके बाद आया हमारा ये हैशिंग। तो हैशिंग को देखते हैं यार, सबसे पहले ना इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है ना, वो होती है हमारी ऑर्डरो 1। ऑर्डरो 1 होती है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी फॉर, एंड इट इज़ एवरेज। एवरेज कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है इसकी, ऑर्डरो 1, एंड इट इज़ फॉर डिलीशन, सर्चिंग, और एक होता है हमारा इंसर्शन। ये तीन टेक्निक जो होती है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इट इज ऑर्डरो 1। तो ये वाली जो ऑर्डरो 1 कॉम्प्लेक्सिटी, ये कैसे अचीव होती है, अभी हम देखते हैं। चलो देखते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। हैशिंग, हैशिंग इज अ टेक्निक दैट इज यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट। देखो यार, हमारे एग्जाम्पल लेते हैं पहले इसको, तब समझ आएगा आपको। तो इन यूनिवर्सिटी, ई स्टूडेंट इज असाइंड अ यूनिक रोल नंबर दैट कैन बी यूज टू रिट्रीव द इन्फॉर्मेशन अबाउट देम। एक हमारी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी का पूरा रिकॉर्ड है हमारे पास, ठीक है, एक जगह पे पड़ा हुआ है। तो हम क्या करेंगे अब हमें ना, देखो यहाँ पे टॉम दिया हुआ है, सैम दिया है, राम दिया है, और टॉम एक और दिया हुआ है, और वो है ब्रांच हमारा BA का, और दूसरा पहला वाला टॉम था वो हमारा BCA का। तो यार देखो, इन दोनों में यूनिकली हमें आइडेंटिफाई करना है चीज़ों को, तो इनका एक रोल नंबर होगा जो कि हमें बता सकता है कि ये बंदा इस बंदे से यूनिक है, मतलब इट इज़ मतलब डिफरेंट है और यूनिक है, मतलब पूरी यूनिवर्सिटी में यूनिक है और इस बंदे से डिफरेंट है। तो हम कैसे बताएंगे उस चीज़ को, तो हम एक काम करते हैं, हम एक हैश टेबल बना लेते हैं जिसमें हम उसका रोल नंबर डालेंगे और एड्रेस ऑफ दिस डेटा, मतलब ये देखो यहाँ पे 012 एक एड्रेस है, और एड्रेस ऑफ व्हाट, एड्रेस ऑफ दिस रिकॉर्ड। देखो ये पर्टिकुलर रिकॉर्ड होगा इसका, तो हम इस रिकॉर्ड का जो हमारा एड्रेस है वो हमारा ये है 0123, तो हमने यहाँ पे स्टोर कर लिया। तो अब हम इसको समझते हैं यार, देखो यहाँ पे इतनी बड़ी आईडी हमें लेनी पड़ेगी सबसे पहले। तो हैश फंक्शन तो क्यों, क्योंकि ये यूनिकली हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। हैशिंग इज अ टेक्निक थ्रू विच वी कैन यूनिकली आइडेंटिफाई। तो ये सपोज कि ये रोल नंबर है, या फिर आप फोन नंबर भी ले सकते हो, फोन नंबर भी आप ले सकते हो, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो एन आईडी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ईच स्टूडेंट, यू कैन ऑल्सो टेक दिस थिंग, ऑल राइट। तो फोन नंबर ले लो या फिर रोल नंबर ले लो, विच इज़ यूनिकली आइडेंटिफाई। अब क्या करेंगे, देखो हम हैशिंग के थ्रू सीधा, जैसे हमने कंप्यूटर में डाला कि ये इस आईडी का कोई स्टूडेंट है, तो वो क्या करेगा, डायरेक्टली उसको सर्च करेगा हैश टेबल। इसको हम कहते हैं हैश टेबल, इसको हम क्या कहते हैं, हैश टेबल, इसको हम कहते हैं हैश टेबल। तो हैश टेबल में क्या होता था कि हम बस आईडी को स्टोर करते हैं, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस जहाँ पे हमें इसका जो डेटा है वो मिलेगा, हमें उसको वहाँ पे जाके सर्च करना है, पॉइंट करना है, ये पॉइंटर होता है एक,
तरीके से जो दूसरी, जहाँ पे हमारा पूरा डेटा स्टोर है उसको जगह उस जगह पे जाके पॉइंट करेगा। तो यहाँ पे हम यही काम करते हैं, क्या करते हैं, एक आईडीज को, बहुत सारी आईडीज को क्रिएट करेंगे, यूनिकली आइडेंटिफाइड होती है, ठीक है। तो यही है इसका बेसिक फंडा कि हैशिंग इज अ टेक्निक दैट इज यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट, फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट। ये देखो यहाँ पे ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट आएंगे कई, ठीक है। हमें हर एक बंदे को यूनिकली आइडेंटिफाई करना है, दैट इज अ बेसिक फंडा, आप कह लो उसको, इट इज अ बेसिक फंडा ऑफ हैशिंग, ठीक है। तो हैशिंग की ये टेक्निक थी, ठीक है। अब हम यार देखो, ये तो टेक्निक बढ़िया है, लेकिन इसकी ना कुछ लिमिटेशंस है, हम उसको देखते हैं क्या लिमिटेशन थी। सबसे पहले यार देखो साइज ऑफ द टेबल, यार देखो यहाँ पे कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 डिजिट। यार हो सकता है यार इतना ज़्यादा रिकॉर्ड, अगर हम सपोज कि बहुत सारे बंदे हैं, ठीक है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू स्टोर ईच एंड एवरीथिंग। देखो यहाँ पे अब आते हैं, देखो साइज ऑफ द टेबल जो है हमारा m क्रॉस n 10 to the power n हो गया। इसकी लिमिटेशन है ये कि हमारा जो साइज ऑफ द टेबल है, ठीक है, वो इतना ज़्यादा हो गया, देखो 10 की पावर n, ठीक है, वेयर n इज द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स एंड m इज साइज ऑफ द टेबल। ऑलराइट, पहला तो हमारा ये हो गया लिमिटेशन। दूसरा हमारा लिमिटेशन था हमारा इंटीजर मे नॉट होल्ड द साइज ऑफ द n डिजिट्स। ये जो मैंने आपको अभी बताया कि n डिजिट्स हैं हमारी, तो n डिजिट्स का हो सकता है कि एक इंटीजर जो हमारा इंट, हम a डिफाइन करते हैं ना, वो जो इंट a डिफाइन करते हैं, इट मे नॉट, इट मे बी पॉसिबल दैट इट विल नॉट होल्ड दिस थिंग, माइट बी पॉसिबल कॉज ओवरफ्लो हो जाएगा। ऑलराइट, तो हम इस चीज को अच्छे से समझते हैं कि ये जो लिमिटेशन है इसको अब ओवरकम कैसे करते हैं, उसको अभी हम देखते हैं। तो दोस्तों हमारी लिमिटेशन क्या थी, अभी हमने पीछे देखा था कि हमारी लिमिटेशन क्या थी कि बहुत ज्यादा साइज था हमारी उसका हैश आईडी का। तो उसको रिजॉल्व करने के लिए ना हमने क्या लिया, हैश फंक्शन को यूज़ किया। किसको यूज़ किया, हैश फंक्शन को। तो हैश फंक्शन क्या करता है, इसका क्या था, इट इज़ ए सॉल्यूशन। बाय द वे लिमिटेशन थी पहले तो हैशिंग की ये कि इतनी बड़ी आईडी होती थी हमारी, तो हमें उसको, उसकी जो लिमिटेशन थी क्या थी हमारी, अभी हमने देखी थी, एम स्टार एन टू द पावर सॉरी 10 to the power n, ये थी हमारी ए पहली लिमिटेशन। दूसरी जो हमारा साइज ऑफ इंटीजर था, जो हमने इंट है, इट शुड नॉट बी एज बिग एज मतलब जो हमारी आईडी है उससे, ठीक है। तो ये आपको समझ आया, ये दोनों लिमिटेशन। अब इसके बाद क्या आया था कि हैश फंक्शन आया, इन कम्स इन वे। हैश फंक्शन क्या किया, हमारा जो ये बिगर नंबर था यार, देखो जो हमने आईडी में असाइन किया था उसको, तो वो जो बिगर नंबर था और अ स्ट्रिंग, कोई भी हम स्ट्रिंग भी ले सकते हैं, ठीक है, कोई भी हम ले सकते हैं, जैसे ए बी सी डी, ठीक है, ए एफ डी जी, ये सब स्ट्रिंग्स भी हम ले सकते हैं, इनका भी बना सकते हैं हम। टू अ स्मॉल इंटीजर, हम उसको किस में बना देते हैं, और अ स्ट्रिंग टू अ स्मॉल इंटीजर, एक उसको एक छोटा सा इंटीजर दे देते हैं, असाइन कर देते हैं, ठीक है, दैट कैन बी यूज एज एन इंडेक्स इन द हैश टेबल। अब वो क्या काम करता है, एक हमारा जो मैंने आपको अभी बताया था हैश टेबल, हैश टेबल क्या करता है, देखो ये है हमारा, ये हमारा हैश टेबल था, हैश टेबल था, और ये हमारे डेटा था, डेटा, ठीक है, ये हमारा डेटा था, यहाँ पे हमारे बहुत सारे रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स के, और ये था हमारा हैश टेबल। यार इतनी बड़ी आईडी, आप खुद सोचो कि इतनी बड़ी आईडी जो है हमारी वो कैसे आएगी, नहीं आ सकती, ठीक है। तो लिमिटेशन ये तो ऐसे तो बहुत बढ़ती रहेगी, ठीक है। तो हमने इसको क्या किया, हमने एक छोटा सा इसको ना एक इंटीजर डिफाइन कर दिया। कैसे किया, सपोज कि हमारे पास एक हैश फंक्शन है, ये देखो x mod 7, इट इज अ वे टू डिफाइन हैश फंक्शन। सबसे पहले हम हैश फंक्शन को कैसे बताएंगे, x mod d, ये हमारी आईडी होगी, जो हमारी आईडी थी ये वाली, ठीक है, हमने उसका मॉड्यूलस ऑपरेटर, मॉड्यूलस ऐसे होता है ना ऑपरेटर, इट इज जनरेट्स अ रिमाइंडर, ठीक है, जनरेट्स अ रिमाइंडर, ठीक है, ये मॉड क्या करेगा,
सेवन हमने ले लिया, हमने सेवन क्यों लिया यहाँ पे? पहले यहाँ पे क्वेश्चन उठता है यार, हमने यहाँ पे हम बहुत कुछ ले सकते, टू ले सकते, थ्री ले सकते थे, हम ले सकते हैं, यू नो वी कैन टेक एनी नंबर विच इज प्राइम नंबर. सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे नोट करने वाली ये है कि हम जो भी लेंगे, जैसे साइज ऑफ द हैश टेबल लेंगे ना, वो हम प्राइम नंबर लेंगे. कि अगर हम, इसका मतलब क्या है मॉड सेवन? मतलब मेरे हैश टेबल में सेवन रिकॉर्ड्स हैं, 0 to 7, ठीक है? तो मैंने अब उसका क्या किया, 0 to 6 होगा, सॉरी यहाँ पे 7 है ना, तो 0 to 6 7 हो गए, ठीक है? तो मैंने क्या किया, और यहाँ पे ना आप जितना ज़्यादा प्राइम नंबर लोगे, उतने ज़्यादा प्राइम नंबर का मोटिव यही है कि हमारे जो कोलिजन्स है ना, कोलिजन्स होते हैं, कोलिजन्स में अभी आप आता हूँ, कोलिजन्स के चैप्टर में, कोलिजन्स इज लेस अगर हम प्राइम नंबर लेते हैं तो. द वे ये जो कोलिजन्स होते हैं ना हमारे, ये कम होंगे अगर हम प्राइम नंबर यहाँ पे लेंगे. तो अब देखते हैं यार, देखते हैं अब इसको कैसे हम जनरेट करते हैं, आईडी को देखते हैं सबसे पहले. तो हमने ली आईडी, ठीक है, जो हमने पहले ली थी. ऑलराइट, तो जैसे मैंने आईडी ली, मैंने उसका मॉड्यूलस कर दिया 7 के साथ, तो मेरे पास रिमाइंडर क्या है, 4. यार ये जो है ना की, इट कैन बी यूज्ड टू स्टोर इन द हैश टेबल. ऑलराइट, हैश टेबल में अब हम क्या करेंगे, ये जो 4 है ना, ये 4 को स्टोर करवा देंगे, ठीक है? ये हो गई हमारी की, मतलब बिगर नंबर को हमने शॉर्टर नंबर में डिस्प्ले करी. ये देखो ना आप, डेफिनेशन देखो, हैश फंक्शन मैप्स बिगर नंबर और अ स्ट्रिंग टू अ स्मॉलर इंटीजर दैट कैन बी यूज्ड एज एन इंडेक्स इन द हैश टेबल. हैश टेबल में जो इंडेक्स है, इंडेक्स, ठीक है, हम उसका यूज करेंगे हैश टेबल में, ठीक है? तो हमने ये आई, दूसरी हमारे पास आए, दूसरी आईडी ये वाली आई हमारे पास, हमने उसका मॉड्यूल किया, ये आई. अब देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब हमारे पास एक, हमने ऐसा रिकॉर्ड डाला दोनों का आईडी, ये देखो, ये देखो, दोनों का इंडेक्स सेम जनरेट हो गया. क्या जनरेट हो गया? दोनों का इंडेक्स सेम जनरेट हो गया. क्या जनरेट हो गया? दोनों का इंडेक्स हमारा सेम जनरेट हो गया. तब हम क्या करेंगे, इट विल लीड्स टू अ प्रॉब्लम विच इज नोन एज कोलिजन, ठीक है? ये क्या करता है, कोलिजन करता है. क्या करता है? कोलिजन क्या होता है कि हमारी एक टेबल है, मैं आपको ऐसे समझाता हूं, ठीक है? हमारा ये हमारी टेबल है, ऑलराइट, 0 1 2 3 4 5 6 7, ऑलराइट, ऐसे है हमारा. यार देखो, इस इंडेक्स पे, फोर इंडेक्स पे पहले एक कोई चीज़ आ गई है, जैसे फोर्थ इंडेक्स पे मेरी एक, इसको ले लो ए बी, इसको ले लो बी सी, इसको ले लो सी डी, ठीक है? ये मेरा कोई रिकॉर्ड है, वो इंडेक्स 4 पे मेरा स्टोर हो गया. जैसे ये ए बी है, ये मेरा इंडेक्स 4 पे स्टोर हो गया, ठीक है? अब देखो 5 पे क्या स्टोर हो गया, ये मेरा कोई ब्लॉक है, इस पे क्या स्टोर हो गया, बी सी. नाउ अब मैंने देखो यहाँ पे मैंने मॉड्यूलर 7 किया, अब यहाँ पे मेरा क्या आया, 4. क्या आया? 4. तो अब मैं इसको कहाँ स्टोर करूँगा ये बताइए, यहाँ पे तो पहले से ही ऑक्यूपाइड है. तो इट विल लीड्स टू कोलिजन, तो मैं यहाँ पे सी डी स्टोर नहीं कर पाऊंगा. इट विल लीड्स टू कोलिजन, इट विल लीड्स टू कोलिजन. तो अब समझते हैं कितने टाइप के कोलिजन होते हैं एंड हाउ टू रिजॉल्व दिस कोलिजन. तो अभी हमने देखा कि यहाँ पे कोलिजन होते हैं, ठीक है? अब देखो कोलिजन हो गया यार, देखो हाउ टू रिजॉल्व दिस कोलिजन, देयर आर टू टेक्निक्स, ठीक है? इसकी दो टेक्निक्स होती हैं. पहली होती है हमारी चेनिंग. चेनिंग में क्या होता है यार, देखो हमने क्या किया, देखो एक ऐसे हम रिकॉर्ड ले लेते हैं, ठीक है, 0 1 2 3 4 5, ठीक है, एक रिकॉर्ड ले लेते हैं हम, ठीक है, इट इज़ यूनिकली आइडेंटिफाइड, ऑलराइट. जैसे ए बी ले लिया हमने, जैसे अब यही वाला सी डी अब आ रहा है, तो हम पता है क्या करेंगे, इसको ना लिंक कर देंगे एक चेन के साथ, इट यूजेस लिंक लिस्ट. मैं क्या करूँगा, सी डी को यहाँ पे स्टोर कर दूंगा, और अगर कोई आई डी आई, सपोज कि ई एफ, उसकी भी सेम इंडेक्स आ गया, जनरेट हो गया यहाँ से, तो उसका मैं क्या कर दूंगा, ई एफ यहाँ पे स्टोर कर दूंगा, ठीक है? तो मैंने एक रिकॉर्ड के साथ एक चेन बना दी. क्या बना दी? चेन बना दी, ठीक है? तो ये होता है हमारा चेनिंग.
ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मेक ईच सेल ऑफ हैश टेबल पॉइंटिंग टू द नेक्स्ट लिस्ट। क्या बोलूंगा मैं इसको, मेक ईच सेल ऑफ हैश टेबल पॉइंट टू अ लिंक्ड लिस्ट। ऑलराइट, ये हो गई हमारी पहली टेक्निक। दूसरी होती है हमारी ओपन एड्रेसिंग। क्या होती है ओपन एड्रेसिंग? यार ओपन एड्रेसिंग में क्या होता है कि हम जो है ना, जैसे ये वाला 4 रिकॉर्ड है, हम इसको इसी की टेबल में, मतलब सी डी ई एफ, इसी में ही स्टोर कर देंगे, या टेबल इटसेल्फ हम इसी के अंदर ही स्टोर कर देंगे। क्या होता है, ऑल एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन द हैश टेबल इटसेल्फ। तो क्या होगा, हैश टेबल में ये स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, अभी हम इसको नेक्स्ट वीडियो में इसको, इन दोनों टेक्निक्स को अच्छे से समझेंगे डीप में।